मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के ग्राम रातौर का प्रयाग सिंह परिहार हरिजन एक्ट व दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। तो वहीं आवेदक ने जनसुनवाई में अधिकारियों को बताया कि उसकी ग्राम रातौर में जमीन है जिसके पास शासकीय जमीन है जिस पर प्रयाग सिंह परिहार ने कब्जा कर लिया था। तो वहीं मामले को लेकर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई और शिकायत के बाद से ही उक्त युवक उसे व उसके परिवार को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। मामले को लेकर कई बार थाने में भी सूचना दी गई लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उस जमीन के सामने दूसरे व्यक्ति गाँव के क्या नाम प्रयाग सिंह उसने सरकारी भूमि जो है छोटी सी पट्टी पतली सी उस पर कब्जा कर रखा है और मुझे उसमें अपने जमीन में अंदर जाना और वापस आना रहता है और भी कई काम रहते हैं तो जैसे ही निकलते हैं तो वो तमाम तरह की धौस धप्पड़ देता है और उसका प्रयास ये है कि यहाँ से ये बेच के चले जाएँ या छोड़ के चले जाएँ तो इस तरह से मुझे परेशान करता है। मैंने आवेदन दिया 28 तारीख को 28/7 में साहब को दिया, ATM साहब को दिया, तहसीलदार साहब को दिया और यहाँ उन्होंने हमको जावक नंबर भी दिया है 505 दिनांक 28/7 2020 लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं।